Very good afternoon, children. I am Shipra Pani, your English faculty. Welcome to Vats Vidyalaya. I am again here with a new video, the next part of the types of sentences. We have learned about sentences. We have learned about declarative sentences. Now, this is the next type of sentence, that is interrogative sentence. What do you mean by interrogative sentence? Interrogation. When you say that he is interrogating me, she is interrogating me, what do you mean by that? The meaning of interrogative sentences is when you question somebody. Jab aap kisi ko kuch poochte hain, question poochte hain, that is interrogative sentence. So there are two types of interrogative sentence. That is, in English, there are two types of interrogative sentences. Ek hai ki जिसका आंसर यस और नो हो सकता है. एक छोटा सा क्वेश्चन, डू यू हैव पेन? नो. आर यू अ बॉय? यस. इज शी अ गर्ल? नो. और यस. इज ही अ गर्ल? नो. इज शी अ गर्ल? यस. सो इसके आगे आप कुछ आंसर, डू यू हैव पेन? यस और नो. ओके. आर यू फ्रॉम पुणे? यस और नो. तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है ही नहीं आपके पास. यू हैव टू से यस और नो. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आस्क. नाउ यस और नो क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थ्रू द इनवर्सन ट्रांसफॉर्मेशन. इनवर्सन ट्रांसफॉर्मेशन इज इफ द कंडीशंस ऑफ द एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन इज मेट फॉर द passive voice. Now let us see here. The governor will resign. Will the governor resign? Yes or no. The judgment has come. Has the judgment come? Yes, it has. Only that much. Or no, it hasn't. She was being a nuisance. Was she being a nuisance? Yes or no. So pehla wala sentence kya hai? Governor will resign. तो ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है. जब आप कोई फैक्ट बताते हो, कोई इंफॉर्मेशन बताते हो, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एंड जब हम उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? विल द गवर्नर रिजाइन? यस या नो. ठीक है. नो ही वोट या यस ही विल. बस उतना ही आंसर है आपका. द डे ऑफ जजमेंट हैज कम, मतलब द जजमेंट वाला दिन आ गया है. तो हैज द डे ऑफ जजमेंट कम? क्या जजमेंट वाला दिन आ गया है? हाँ या ना. ठीक है. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम जाएंगे. शी वॉज बींग अ न्यूसेंस. वॉज शी बींग अ न्यूसेंस? क्या वो बहुत परेशान कर रही थी? हाँ या ना. The bulls are let loose at the noon. Are the bulls let loose at the noon? क्या bulls को दोपहर के टाइम में खुला छोड़ देते हैं? हाँ या ना. यू हैव टू आंसर ओनली दिस. इफ देर इज नो ऑक्स ऑर द मेन वर्ब बी और बी इज ट्रांसपोज्ड विद द सर्विस. आर यू ऑल मोरन्स? यू आर ऑल मोरन्स. यस. नाउ व्हाट इज इट अबाउट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्या आप सब मोरन्स हैं? हाँ या ना. वॉज फॉरबिशर हैरी? क्या फॉरबिशर हैरी था? हाँ या ना. नेक्स्ट है डब्ल्यू एच क्वेश्चन. इंक्लूड अ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, दैट मीन्स वर्ड, हुम, व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हाई, हूज, हाउ. नाउ दीज आर द डब्ल्यू एच क्वेश्चन. तो यहाँ पे मस्ट बी आंसर्ड विथ एन इंफॉर्मेशन, नॉट विथ येस और नो. जहां पे येस और नो है, जैसे मैंने इसके पहले सिखाया आपको कि येस और नो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जहां पे आपके डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं क्वेश्चंस, तो हम वो कैसे शुरू करते हैं, उसके लिए हमको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आंसर्स की जरूरत है. तो येस और नो से उसके आंसर्स नहीं होते हैं. Now let's see. These are formed from the declarative through fronting of the subject with the WH word. जैसे जो शुरू होता है, What have you taken for breakfast today? Why did you do it? तो यहाँ पे क्या होता है? What have you taken for breakfast? क्या आपका आंसर येस या नो बोलने से होता है?
नहीं, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या क्या खाया। अगर आपको टीचर पूछती है कि आपने ऐसे क्यों किया, यस या नो बोलोगे? नहीं ना, आप बोलोगे कि आपने क्यों किया या क्यों नहीं किया। आप एक्सप्लेन करोगे, आप अपने आप को डिस्क्राइब करोगे, अपने आप अपनी चीजें को डिस्क्राइब करोगे कि मैम ये रीजन था, इसके वजह से मैंने ये काम किया। आप अपने आप को जस्टिफाई करोगे ना, आप तो सिर्फ हाँ या ना बोल के वहां पे चुप नहीं बैठ सकते हो। तो ये याद रखना, जहाँ पे शुरुआत व्हाट हैव यू टेकन फॉर ब्रेकफास्ट या व्हाई डिड यू डू सो, ये सारी चीजों में आपको सिर्फ यस और नो में आंसर नहीं देना है, आपको एक्सप्लेन करना है, इंफॉर्मेशन देना है। वी एज्यूम दैट इन द अंडरलाइंग और डीप स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड अकर्स द स्लॉट नॉर्मल ऑक्यूपेंट विच वी विश टू आस्क अबाउट द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल वी माइट पोस्ट इट दैट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन वॉट विल जॉबर्ट डू इज समथिंग जॉबर्ट कुड डू वॉट ही कुड डू सम ट्रिक्स ही कुड प्ले ही कुड डू एनीथिंग सो वॉट विल ही डू we are going to answer. Suppose such an analysis of deep structure of questions comes to a fact they resemble surface structures are called as echo questions. Restatements of the sentence when unheard, unfamiliar, unbelieved are replaced by WH word. Now what will it be? Jobert could do parlor tricks. Jobert could do what? That means that sometimes what is used at the end of the sentence where you want the person to speak up again. Jobert could do parlor tricks. Jobert could do what? That means the person wants you to speak up again. उसको वो समझा नहीं तो आप उसको वापस बोलोगे Jobert could do parlor tricks. That means मुझे वो आवाज सुनाई नहीं दी कि उस आपने क्या बोला है. तो वहां पे what end of the sentence में आता है, ठीक है. Now let us see. Here the derivation of WH is what could Jobert do. Underlying the structure Jobert could do what. Application of the fronting what could what Jobert could do. Application of the inversion transformation what could Jobert do. Now यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आप force करते हो कि क्या कैसे आप question पूछोगे. What could Jobert do? यह हमारा सिंपल सेंटेंस. व्हाट कुड जॉबर्ट डू, जॉबर्ट क्या कर सकता है. तो द वे यू स्पीक इट, द इम्प्रेशन, द फोर्सिंग, जो बोलने का लहेजा है, उस हिसाब से आप अपने चीजों पे स्ट्रेस ऑन कर सकते हो. Here are is another WH question derivation. This is the time of the question. Where is that maniac going? Where replaces an adverbial CF. The maniac is going into oncoming traffic. Underline that maniac is going where. Where is where that maniac is going? Where is that maniac going? So ये यहाँ पे आप मेरा पिच देख रहे हो. हम लोग कैसे बात. That maniac is going where. हमने पिच लो रखा है. Where is that maniac going? यहाँ पे भी हमने पिच लो रखा. Where is that maniac going? Where is, जहां पे हम लोग हमारा पिच हाई करते हैं. But notice WH word occurs in the subject with a deep structure that there is no need of fronting since the subject normally is in the first slot of the sentence and the inversion transformation will not apply. जहां पे वो starting में पूछा जाता WH question है वहां पे inversion apply करने की जरूरत नहीं है. What made him rich? What made him rich? Who has made him rich? Who has made him rich? Now there are different ways of question and how do you want the question to be answered? Okay. Now deep in the sense you want that maybe उसके साथ कुछ ऐसा चीज हुआ कि उसने उस पे overcome किया और उसको वो अमीर बनाया. या who made him rich? मतलब मे बी उसने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली और फिर उसकी वो अमीर बन गया और कैजुअली उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए. और बहुत सारे जगह पैसा होता है कि हमारे साथ बहुत कुछ होता है. हम लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं, लेसन्स लर्न करते हैं, फिर हम बहुत उसके लिए काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं एंड देन वी अर्न मनी फ्रॉम दैट. एंड वो एक हमारा हार्ड वर्किंग होता है.
Interrogatives are diagrammed in underlying structure corresponding to the declarative sentences where the inversion transformation is not shown, applied as a capitalized in the standard form of the question. Normal क्या होता है declarative sentence को interrogative form में करते हैं तो हम capital letter से शुरू करते हैं end करते हैं question mark से. Now interrogative sentences कैसे होते हैं? To have, to do और to be. Now इसका importance क्या होता है जब हम present tense में बात करते हैं या past tense में बात करते हैं? I am, am I? You are you? He, she, it is he, she, it? We are we? You are you? They are they? Now these are the present tenses. Past tense: I was I? You were you? He, she, it was he, she, it? We were you? You were you? They were they? So when you are talking about am, that is in present tense. When you are talking about was, that is in past tense. So यहाँ पे क्या होता है, I am, जब आप question form करते हो तो am आगे आ जाता है, am I, तो वो question mark आता. I was I. Okay, it is very easy to form the questions from that. Reverse the order of subject and verb. Verb kya hai? Was. Aur subject kya hai? I. Yeah, I am. To reverse kar do bas usko. Am, I. Am ko aage le lo. Aur I ko piche le lo. Aur question mark dal do. So that is a simple form of making a question. See here. I am. Humne reverse kar diya. See here. I am. Humne am ko kya kiya? Am ko pehle le liya. और I को उसके बाद ले लिया. हमने सिर्फ वर्ब और नाउन को चेंज कर दिया. सी हियर, नाउन और सब्जेक्ट को चेंज कर दिया. यहाँ पे भी वॉज पहले ले लिया, I बाद में ले लिया. ठीक है. आर यूज्ड फॉर प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. ये कहाँ पे यूज होता है? सिंपल पास्ट और प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. दे कीप टू डू दे कीप टू themselves, they kept to. Now ये past tense में आ जाता है. Did they kept to? यहाँ पे क्या आएगा जब present tense होता है तो question कैसा आएगा? Do they keep to? यहाँ पे past tense है तो हम इसको भी past tense में convert करेंगे. Did they keep to themselves? ये change नहीं होगा. Okay? So this was about our how we can change declarative sentence to interrogative sentences. Interrogative sentences में भी जब आप अपना पिच चेंज करते हो, इंपॉर्टेंस कैसे देते हो, कितने टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, कहीं पे आंसर्स आपको सिर्फ यस और नो में आंसर्स पता चलते हैं, कहीं पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जब आप इंफॉर्मेशन चाहिए तो किस तरह के डब्ल्यू एच क्वेश्चन आप पूछोगे, हाउ पूछोगे, वाई पूछोगे, तो यहाँ पे आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपका इंफॉर्मेशन, आपको सामने वाले से कैसा इंफॉर्मेशन चाहिए. अगर आपको सिंगल वर्ड का इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्वेश्चन आप उस हिसाब से ले सकते हो. अगर आपको सिर्फ यस और नो, हाँ या ना, उतना ही आंसर चाहिए तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन ले सकते हो. इंफॉर्मेशन कैसे, किस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन, जब आप प्रेजेंट करते हो, जब आपको कोई चीज ज्यादा फोर्सिबली बोलनी होती है तो आपको कौन से पिच में बात करना है, कौन से पिच में क्वेश्चन पूछना है, किस वर्ड को ज्यादा स्ट्रेस देना है, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये वीडियो में. आई होप आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आया होगा. तो इफ यू हैव लाइक इट, वी आई होप दैट यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब, यू आर गोइंग टू कमेंट, एंड आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन माय नेक्स्ट वीडियो. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियोस. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल माय वीडियोस. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.